हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर का पार्ट 14 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे अप्रैल 2022 का करंट अफेयर, ठीक है? क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका एक महीने या दो महीने का करंट अफेयर तो नहीं पूछने वाला है ना, पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है लाइन आपका कि भारत सरकार में जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का रेल ऋण प्रदान किया जाएगा। ऐसा जो किया है वो किसने किया है? तो ऐसा करने वाला आपका, ये आपका पहला ही गलत हो गया है। यहाँ पर भारत सरकार ने, यह महाराष्ट्र सरकार होगा, ठीक है? महाराष्ट्र सरकार में जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक का ऋण दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसा करने वाला कौन है? हरियाणा, वहाँ के सीएम ने ऐसा किया है, बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में बॉर्बी हाउस की स्थापना, ठीक, सॉरी यहाँ पे बॉर्बी नहीं होगा, यहाँ पे हॉबी होगा, ठीक है? क्या होगा? हॉबी हाउस की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत, नृत्य, कला आदि का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बच्चों में हॉबी डेवलप्ड होगी, जो भी जिसका शौक रखते हैं। फिर है पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का आयोजन किया गया। पहली बार हुआ है तो पता होना चाहिए, अप्रैल में, ठीक है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की। वहां से पर्यटक क्या करेंगे? भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाली मिसाइल है ना, और जो टैंक होते हैं वो 10 नहीं है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो ये आप हटा दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे है, यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। मिसाइल और टैंक, ये 10 हो गया यहाँ पे। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को देश के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। कब? 14 अप्रैल को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दिल्ली में 3 मूर्ति भवन, ठीक है? क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे के योगदान को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। फिर है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी चारधाम परियोजना के तहत गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होंगी। एक तो यही हो गई हनुमान जी की मोरबी में, गुजरात में, ठीक है? और दूसरी है, ये दूसरी है, ठीक है? पहली शिमला में होगी, और पहली शिमला में हो चुकी है, और दूसरी ये हो गई, अन्य मतलब तीसरी होगी रामेश्वरम में, चौथी होगी पश्चिम बंगाल में। ऐसे ये 4 हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएंगी। दृष्टिहीन लोगों के लिए नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो ऐप्स लॉन्च किया है। रेडियो ऐप्स, एक सेकेंड, इसका नाम रेडियो अक्ष है, नॉट ऐप्स, ठीक है? रेडियो अक्ष, ये मैंने ना आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप में कराया है वहाँ ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करा दिया है। तो रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है। यह चैनल दृष्टिहीनों की शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुँच प्रदान करेगा, ठीक है? यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। यहाँ पे दृष्टिहीन है, फिर है, बहुत गलत हो गया आज तो। सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जांच कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है। इस सुरंग का निर्माण शिंकुला दर्रे से किया जाएगा। किसने? BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख को जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया है।
नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? ग्लोबल पीस एम्बेसडर। किसको? बबीता सिंह को। कहाँ पे? किसने? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में, और नई दिल्ली में हुआ था ये, गुजरात की गांधीनगर में। भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। पहला है गुजरात के गांधीनगर में, भारत का पहला है। और यहाँ छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना, इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी ZIZ द्वारा किया गया है। फिर क्या है? अमेरिकी कंपनी विलिटी इलेक्ट्रिक इंक, ये सही लिखा हुआ है। फिर है आपका भारत में तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। फिर है आपका बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यह यात्रियों को ऑनलाइन टिकट भी देगा। जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। पल्ली गांव, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलो वाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव, ठीक है, बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? अमित शाह भी शामिल हुए। और इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। कब? वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव पर। फिर है उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवरेज के पानी को साफ किया जाएगा, और रखरखाव कौन कर रहा है इन सब का? नीदरलैंड की कंपनी। फिर है झारखंड का जामताड़ा जिला, सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है झारखंड का जामताड़ा। यहाँ की जितनी भी ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी ही, तो ऐसा करने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है जामताड़ा। इससे मूवी भी आई है, इससे रिलेटेड, फिशिंग से संबंधित है जामताड़ा। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में करा दिया है। जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश की पहली पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित रेडियो स्टेशन है। क्या नाम है? दूधवाणी। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये, कहाँ पे? गुजरात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। हाल ही में नीति आयोग में मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40,00,000 से भी अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी 21 अप्रैल, ये सारा जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं ये अप्रैल का ही है। 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। क्या होगा इससे? इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक बोर्ड के जरिए प्रसारित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने ऐसा किया था, तब थे ये, अब नहीं है। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। कौन? चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? क्वार जल विद्युत परियोजना। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 25 से लेकर 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में एक रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीति तथा अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक अच्छा सम्मेलन है, बहुत अच्छी सम्मेलन है। कर्नाटक सरकार में शिवमोंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा के नाम पर रखने का फैसला किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। शिवमोंगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर VS येदियुरप्पा रखने का प्रस्ताव किया गया है, और जो रख ही दिया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 वर्ष आयु तक के
बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी थी, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। फिर है आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रबंधन के लिए प्रकृति, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की भी शुरुआत की। एक तो हरित पहल और एक क्या है, प्रकृति नामक शुभंकर, प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। फिर है नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसके विभिन्न कृषि उत्पादों में के निर्यातकों ने भाग लिया, अपनी कृषि उत्पादों को लॉन्च किया। इसका मुख्य विषय क्या था, भौगोलिक संकेतक उत्पाद यानी GI टैग जो वाला सिस्टम होता है वही, ठीक है। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। फिर है आपका भारतीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा विल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है ये गांधीनगर गुजरात में, और भारत का पहला है। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में खोला गया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।